निकाय चुनाव में दोनों की प्रमुख पार्टियों से टिकट के दावेदार और उनके समर्थक की उपेक्षा से नाराज पदाधिकारी का पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। सत्ताधारी भाजपा पार्टी पदाधिकारियों द्वारा लगातार अपने अपने पदों से इस्तीफा से दमोह की राजनीति गरमाई हुई है। आज हटा नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक जैन, नगर मंडल उपाध्यक्ष प्रमोद पुजारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष कृष्णा साहू, संयोजक अशोक चौरसिया ने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जैन का कहना है कि दमोह जिला भाजपा में बैठे पदाधिकारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से भटक कर स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। मेहनती व सक्रिय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दूसरे दलों से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिससे उपेक्षित होकर दुखित मन से आज वह अपनी बरसों पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं दीपक जैन, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष, आज हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य बहुत दिनों से चल रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, काफ़ी समय से बहुत ही था, हमें अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखना थी, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या उद्देश्य, किस बात को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? उद्देश्य स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनसे खिन्न होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने मंडल अध्यक्ष को जा रहे हैं। जैसे कि क्या मतलब? इसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि प्रदेश स्तर पर प्रदेश का जो नेतृत्व है, वर्तमान में जो जिले की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश नेतृत्व आँखों में पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ताओं को नकार कर नए आए हुए बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मोबिलाइज कर रही है, पुराने वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं को घर बिठा दिया गया है, इससे प्रदेश नेतृत्व पूर्ण तरह से अवगत है। उसके बाद भी प्रदेश नेतृत्व जिले के प्रतिनिधि जो संगठन में बैठे हैं उनको कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, एवं जिले के अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से जिले में भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ले रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नीति नीति सिद्धांतों के खिलाफ है। आपके साथ कितने लोग हैं? अभी आज हमारे साथ भाई पंकज सोनी, अशोक चौरसिया चमदी, आनंद नामदेव, अन्नू प्रमोद पटेल पुजारी, कृष्णा साहू जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हटा के अध्यक्ष हैं वो, राहुल कस्तौर, गोलू यादव, विक्रम बर्मन, अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, आएंगे, अगर आज नहीं आ पाएंगे तो आगे इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा देंगे। मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश अवगत है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। आज आप भाजपा से इस्तीफा देकर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? आज हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अभी फिलहाल तो हम किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि आपके द्वारा आपके ही परिवार से अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगी गई थी, टिकट ना मिलने के कारण आपने ये इस्तीफा दिया, तो मतलब क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लोकतंत्र चुनाव के समय में इस तरह के निर्णय सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस तरह से जो इस्तीफा इस्तीफे दिए जा रहे हैं, मुख्य वजह क्या आप कोई कर बताएंगे क्या विषय है जो इस तरह के कदम आप लोगों को उठाने पर? नहीं, मुख्य वजह बहुत सारी है, सभी लोगों को मालूम है, जैसा कि रात और रात टिकट बदल रही है पार्टी, ये कहाँ की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। कल रात तक किसी और की टिकट थी नवोदय वार्ड में, आज रातों रात टिकट बदल दी गई। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता
पार्टी में भी क्या टिकटें बिकने लगी हैं ऐसा हमें लग रहा है, जिस तरीके से मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। आप भाजपा में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बिल्कुल जिला भाजपा बॉडी पर आपके आरोप हैं, क्या आपने अपनी बात शीर्ष तत्व के समक्ष रखी पार्टी छोड़ने के लिए? जी, मेरे जिला अध्यक्ष जी को भी बात की, हमारे प्रमुख इकाई जो मंडल होती है मंडल अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया, मंडल अध्यक्ष जी को भी सारी घटनाक्रम पता है, परंतु मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भी आगे बात रखी है मंडल अध्यक्ष जी ने, परंतु आज जो परिदृश्य टिकट वितरण में सामने आया है, किस तरीके से उठापटक हुई, जोड़ तोड़ हुई, उसके बाद भी अभी मैं एक बात और कह रहा हूँ, अभी तो एक टिकट, अभी 2:30 बजे तक टिकटों का बदलना कोई बड़ी बात नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी में। जिनको बहुत अनुभव है उनको घर बैठा दिया गया, नए नए लोग कल कांग्रेस में आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनको टिकट और पदों से नवाजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रीति नीति में ऐसा कहीं कोई उच्चारण पहले से नहीं रहा, परंतु आज ये ऐसा क्यों होने लगा है? सिर्फ जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, जो नींव के पत्थर हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज यहाँ सामने बैठे जो कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कितने मेहनत करके ये कार्यक्रम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको भी उम्मीदें होंगी, इनको भी अपने घरों में जवाब देना पड़ता है जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए दिनों रात काम करते हैं, उसके बाद आपके साथ पार्टी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, आपने क्या कमी है, ये अपने घरों में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और बालाजी वार्ड के बारे में बात करूँगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ना था, लोकतंत्र है, हमारे चाचा जी ने भी फॉर्म डाला था, हमारे छोटे भाई का भी फॉर्म डाला हुआ है, और हमने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए फॉर्म डाला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब पता पड़ा कि हजारी वार्ड के व्यक्ति को बालाजी वार्ड में चुनाव लड़ाने का डिसीजन लिया, तब हमें ऐसा लगा कि वार्ड में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक विरोध पार्टी के अंदर हो, कोई लोग पार्टी के अंदर पसंद नहीं कर रहे हों, ग्रुपबाजी भारतीय जनता में पार्टी में चरम पर है, जो कि आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। और यहाँ से जिस प्रत्याशी को टिकट दी गई है उसका यहाँ पर कोई आधार नहीं है। खैर, हमने सभी वार्ड वासियों से संपर्क किया, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता उनसे संपर्क किया, सभी ने आश्वस्त किया कि एक बार पार्टी निर्णय अगर नहीं बदल रही है, आपको चुनाव लड़ना है, हम सभी आपका साथ देंगे। हमने भी दुखी मन से निर्णय लिया है, इसीलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, हम बालाजी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रहा सवाल हमारे चाचा जी का, हमारे भाई का, शायद वो फार्म निकाल लेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए हटा से रविकांत की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।